Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, my name is Antima Dubey. I make videos on makeup, fashion and lifestyle. So I'm back with another review video. And today I'm going to review a newly launched makeup product, which is lipstick from Inside Cosmetics. So recently I received these lipsticks from Inside Cosmetics. First of all, thank you Inside Cosmetics for sending me these amazing lipsticks. And जो लोग मुझे starting से follow करते हैं, उनको पता होगा कि मुझे Inside Cosmetics के product कितने ज्यादा पसंद है और यही वजह है कि मेरे फेस पे आज कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रही होगी। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो किसी भी हाई एंड ब्रांड से कम नहीं होती है। इनकी पैकेजिंग ऑन द टॉप होती है। समटाइम मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा प्रोडक्ट ये लोग इतने अफोर्डेबल प्राइस में कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन लिपस्टिक्स के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, लाइक इनके रिव्यू, इनके स्वॉचेस, एवरीथिंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। ऑल राइट गाइज, तो जिन लिपस्टिक्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है इनसाइड कॉस्मेटिक सुपर स्टे लिपस्टिक, जिसका प्राइस है 290 रुपीज, जिसमें आपको मिलेगी 7 ग्राम्स की क्वांटिटी और जिसकी सेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की। कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होंगी और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह से है। बहुत ही प्रीमियम एंड लग्जूरियस इसकी इनर पैकेजिंग है। रोज गोल्ड कलर है इनका, बिल्कुल भी फ्लिम्जी नहीं है एंड ट्विस्ट करते ही आपका प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। मुझे इसमें एक चीज और अच्छी लगी, वो ये है कि जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को अंदर करेंगे तो एक टिक की आवाज आएगी, ताकि आप श्योर हो जाएं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अंदर जा चुका है। इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और कोई भी मिस क्रिएट नहीं होगा। इसमें टोटल 24 शेड्स लॉन्च हुए हैं, मेरे पास जो है वो 6 शेड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इन शेड्स को खुद सेलेक्ट किया है। इतने यूनिक शेड्स हैं, इतने अमेजिंग शेड्स हैं कि इस तरह के शेड्स अभी तक मेरे कलेक्शन में नहीं है। मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। सारी की सारी डिटेल आपको इसके आउटर पैकेजिंग के ऊपर मिल जाएगी, लाइक इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एवरीथिंग। ये जो लिपस्टिक है ये क्रुएलिटी फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड वीगन है। प्लस ये जो लिपस्टिक है ये नॉन फ्लेकी है, लाइट वेट है, ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड लॉन्ग वियर फॉर्मूला है इसका। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अर्गन एंड विटामिन ई ऑयल, जिसकी वजह से ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगी। आपकी लिप्स को ये हाइड्रेटेड रखेगी एंड ये लिपस्टिक काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 6 से 7 घंटे कहीं नहीं गए हैं। आपको बिल्कुल भी रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जो खाएं चाहे जो पिए, थोड़ा सा ऑयली खाने के बाद हो सकता है अंदर की तरफ से निकल जाए, लेकिन बाहर की तरफ से एज इट इज रहती है ये लिपस्टिक। इसका जो फॉर्मूला है मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही लाइट वेट है। एक बार जब आप अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको क्रीमी टेक्सचर महसूस होगा, लेकिन जैसे ही ये सेट हो जाएगी बिल्कुल भी ये कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं होगी। और अब हम ना इसके स्वॉचेस देख लेते हैं। पहला जो शेड है वो है 01 विक्टोरिया, बहुत ही सुंदर शेड है, ब्राउन एंड ऑरेंज मिक्स, बिल्कुल ब्रिक वाला जो कलर होता है वैसा कलर है। और ये जो लिपस्टिक्स हैं बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, 1 स्वाइप में इनका कलर आ जाता है, आप देख सकते हैं। मेरे लिप्स जो है वो ऑलरेडी पिगमेंटेड है, फिर भी मुझे इनको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, 1 स्वाइप कलर पे ऑफ है इसका। एंड मैं इनके स्वॉचेस नेचुरल लाइट में कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट शेड का पता चल सके। और ये जो लिपस्टिक्स हैं ना बहुत ही लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं एंड 10 से 15 मिनट्स लेती हैं ये सेट होने में। एक बार ये सेट हो जाए तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होती, आप चाहे जो भी खाएं चाहे जो भी पिए। एंड दूसरा जो शेड है वो है 05 नायरा, इसका जो कलर है वो बॉन्ड ऑरेंज जो होता है, रेड ऑरेंज मिक्स वाला जो कलर होता है वैसा है। ये शेड जो है वो मीडियम स्किन टोन पे या डस्की स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये लिपस्टिक कि बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई आउट नहीं करती है। थोड़ा सा टाइम लेती है सेट होने में, लेकिन एक बार सेट हो जाए तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड ये नॉन फ्लेकी हैं, कुछ लिपस्टिक्स होती हैं उनको अप्लाई करने के बाद लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है इनके साथ। एंड नेक्स्ट शेड जो है वो है 06 सराह, एंड ये जो शेड है मेरा फेवरेट शेड है। इस तरह का शेड अभी तक मेरे पास नहीं था और मुझे ये शेड चाहिए था क्योंकि कुछ टाइम पहले ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, मरून वाइन जो कलर होता है वैसा कलर है इसका। और ये शेड भी ना मुझे लगता है हर स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 6 से 7 आवर्स तो कहीं पर भी नहीं गए हैं। उसके पहले आपको बिल्कुल भी रीअप्लाई करने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट शेड जो है वो है 12 हना, और ये जो शेड है ना ये ऑरेंज एंड इसमें थोड़ा सा टेरिकॉटा मिक्स बोल सकते हैं ऐसा शेड है। ये शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इनके जो शेड नेम है ना वो बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ही यूनिक लगे, लाइक विक्टोरिया, हना, जूरी, ऐसे करके इनके शेड नेम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे यूनिक एंड सुंदर लगे। और ये शेड भी मीडियम स्किन पे एंड डस्की स्किन पे एंड फेयर स्किन पे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। नेक्स्ट शेड जो है वो है 14 जूरी। ये जो शेड है ये भी मेरा फेवरेट शेड है इस कलेक्शन में, क्योंकि ये जो शेड है बिल्कुल परफेक्ट न्यूड है। पिंक हल्का सा इसमें हिंट है, मतलब ब्राउन एंड पिंक मिक्स है। मेरे लिप्स पे ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, लाइक माय लिप्स बट बेटर वाला ऐसा शेड है इसका। एंड ये शेड भी ऑल स्किन टाइप पे सूट करेगा। इनका जो फॉर्मूला है मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है कि लगाते ही ना आपको ऐसे लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा क्रीमी एंड बटरी है, एंड थोड़ी देर बाद ही ये बिल्कुल मैट में सेट हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। नेक्स्ट शेड जो है वो है 11 रोजलीन, और ये शेड भी काफ़ी अच्छा शेड है। पिंक एंड इसमें थोड़ा सा पर्पल का हिंट है, जो फ्यूसिया पिंक होता है वैसा शेड है। एंड ये शेड जब मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करती हूँ ना तो मेरे लिप्स, जैसा कि मैंने बोला, थोड़े से पिगमेंटेड हैं, तो मेरे लिप्स पे ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब पर्पल टोन में ज़्यादा दिखता है, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। बट ये शेड भी जितना सुंदर मीडियम स्किन टोन पे लगेगा उतना ही सुंदर ये डस्की स्किन टोन पे लगेगा, एंड उतना ही सुंदर ये फेयर स्किन टोन पे लगेगा। तो सारे के सारे शेड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, और ये जो लिपस्टिक्स हैं ना ये बच प्रूफ हैं, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मज नहीं हुई एंड ट्रांसफ़र भी नहीं होती। अच्छा जी, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन लिपस्टिक्स के बारे में। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको इन्हें ट्राई करना है तो इन सब का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।